सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज आकांक्षा और आज हम लोग करने वाले कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। तो स्पेशल में कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, बट या आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम करने वाले हैं आर्ट वर्क, एक टेक्सचर आर्ट वर्क। चलिए मिलवाते हैं उस पर्सन से जिसने मुझे रातों रात आ करके रिक्वेस्ट किया कि मेरी एक पेंटिंग बना दो। तो ये है वो पर्सन। तो ये हैं नागू भाई। हाय नागू भाई, आप इनसे कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, आई मीन आप बोलना चाहते हो मेरे दर्शकों से? हाँ। What? तो नागू भाई बात नहीं करते हैं, वो बहुत कम बात करते हैं, तो इतनी बात उन्होंने कर ली तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की वीडियो की स्पेशल बात ये है कि मैंने स्वर्ण न्यूज़पेपर का यूज़ किया है और हमने बनाया है एक टेक्सचर आर्टवर्क जिसमें यूज़ किया है मैंने एक स्नेक की बॉडी को ओवर कैनवस। तो स्नेक की रियल बॉडी नहीं, मैंने न्यूज़पेपर कटिंग से और बाकी टिश्यू पेपर से और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके बनाया है। तो ये वीडियो तो कम्प्लीट देखना तब पता चलेगा कि टेक्सचर आर्टवर्क आके हुआ कैसे। ये मुझे तो बड़ा ही मजा आया इसको बना करके और मैं ऐसी और भी वीडियोस लाती रहूंगी। उससे पहले बिना एक मिनट भी वेस्ट किए, इससे पहले कि नागू भाई आके मुझे डस लें, तो बेहतर होगा कि मैं आर्टवर्क शुरू कर दूँ। तो चलो फिर बिना एक मिनट भी वेस्ट किए चलते हैं वीडियो बनाते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रहा हमारा कैनवस, इसमें करना है हमें थोड़ा चीर फाड़, और चीर फाड़ करने के बाद में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके ऊपर हमें करना है आर्टवर्क। तो ये कैनवसेस का फायदा ये है कि ऑलरेडी इस पर टेक्सचर, वाइट टेक्सचर ऑलरेडी पेंटेड होता है। अरे नागू भाई, क्या हाल चाल, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपके बॉडी का शेप बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं। पेंसिल से पहले बनाएंगे हम कर्व्स को, उसके बाद में उसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे। फेविकोल लगा करके उसके ऊपर हमें न्यूज़पेपर रखते जाना है फोल्ड करके। फेविकोल थोड़ा ध्यान से लगाइए और ये न्यूज़पेपर को हम फोल्ड करके इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे सावधानी से, ताकि ये फैले ना और कर्व्स जो आपके हैं स्नेक के वो इधर उधर ना हो। फेविकोल को मिक्स करते हैं। उससे पहले पीते हैं हम थोड़ा सा कॉफ़ी। यार मस्ट है, कॉफ़ी तो जान है, प्यार है। और मेरे हाथ देखो ऑलरेडी फेविकोल लग चुके हैं ढेर सारे। इसके बाद हम पेपर को करते हैं फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में हमें इसको कर्व्स में ढालना है। हाँ जी, इसको एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपकाना है कि वो बहुत ही, मतलब समझ लो पूरे बॉडी का टेक्सचर आ जाए स्नेक के। तो फोल्ड्स के बाद हमें एक के ऊपर एक अच्छे से जो है कि न्यूज़पेपर रखते जाना है, चिपकाते जाना है, जिससे कि हमारे कर्व्स खराब ना हो। और चिपकाते चिपकाते हम उसको फोल्ड करने के पोजिशन पर भी ला देंगे। लाइक हमें ना ऐसा करना है जैसे कैनवास के इधर से जाके उधर से निकल रहा हो, यस उसका पूछ। तो हमने ऑलरेडी बना लिया इसको और जैसे कि देख सकते हो काफ़ी कूल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो कैनवस के अंदर से निकल रहा हो। तो ये टेक्सचर मुझे देने का काफ़ी दिनों से मन था, ये मुझे बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया लग रहा था। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट बना लिया है। इसके बाद हम टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे। टिश्यू पेपर से कवर करने का रीज़न ये होता है, पहला तो स्नेक के बॉडी का टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा मजबूती हो जाती है। और कैनवस पे जब हम किसी भी चीज़ को लगाते हैं तो जैसे दीवार पे लटकाते वक्त ऐसा ना हो कि वो टूट के निकल जाए। तो टिश्यू पेपर से कवर अप करने का मतलब ये है कि इसकी मजबूती बहुत ही अच्छी हो जाती है। और जैसे कि देख सकते हो ये कितना प्योर लग रहा है, इसके ऊपर वाइट टेक्सचर हमने कर दिया है स्नेक के ऊपर, और कैनवस पे हम ब्लैक कलर करेंगे जिससे कि ये और भी ज़्यादा निखर के आए, क्योंकि नागू भाई को हम एकदम देने वाले हैं गोल्ड सा लुक, एकदम सोने के नागू भाई बनेंगे हमारे। तो ये देखो मेटलिक गोल्ड कलर मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। और मेटलिक गोल्ड कलर यार बात ही अलग है। इसको बड़ी सावधानी से हमें पूरा कवर अप करना है। और ये देखो हो गया पेंट। इसके बाद में हमें लगाने हैं थोड़े से गोल्ड के फ्लेक्स। ये देखो हाँ है ना, लग रहा है ना प्यारा यार, ऑनेस्टली ये तो एकदम असली लग रहा है, बस असली ना बन जाए इस बात का डर है। तो नागू भाई हमारे हो गया रेडी। ये देखो नागू भाई, हमने कर दिया आपको रेडी, कैसे लग रहे हो बता दो। नागू भाई क्लियर बोला करो ना, थोड़ा जल्दी बोला करो, हमें थोड़ा घर भी निकलना होता है। यह
यहाँ तक वीडियो देखिए तो डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर एंड गेस व्हाट प्रेस द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज अगर वो नहीं करोगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में कैसे जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, एक घंटा बचा देना। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जानवर हमारे नागू भाई तो हो गए खुश, तो आप लोग खुश हुए कि नहीं हुए ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं कौन से जानवर को अपनी वीडियो में बुलाऊं। हाँ मैं तो हूँ ही, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे साथ में और किस जानवर को बुलाऊं ये बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।